ईद मुबारक ईद मुबारक ये जो है ना मेरी नंद प्लस भाभी आई हुई है हमारे घर ईद करने मेरे मियाँ जी उनको ईद मुझे नहीं दी लेकिन उन्होंने तुम फिर लेके तो दे रहा हूँ वो तो फिर आप इधर आओ इधर आओ इधर आओ एक मिनट इधर आओ ईद मुबारक ईद मुबारक छोटी नंद है ये मेरा बेटा है नहीं ईद नहीं मिलेगी इसको इसको ईद नहीं मिलेगी अच्छा एक एक मेरू 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 ये मेरी बहुत ही प्यारी बेटी जी और हमारी जान है ईद मुबारक ये लो ये इनकी भांजी भी है और ये मेरा भतीजा इसको मेरी दिखे थैंक यू ये दोबारा मिल रही है पता नहीं मैं जो भी क्यों मिल रही है ये जी मैंने ईद मुबारक इनको कर लिया लेकिन मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था मेरी मियां जी जो है ना सलामी दूंगी कि तुम्हारे मियां ने मुझे ये जी है मेरी बेटी मेरी बेटी ने ये उन्होंने मेहंदी लगाई है और ये वैसे इसके जो ईद के इसने ये घर में है ना चूंकि अभी तक इसने ये ड्रेस डाला है कि बाहर जाएंगे तो फिर इसने फैंसी रखे हुए हैं फिर वो डाली ये मेरी अपनी कलाकारी असली यार उतरी भी नहीं अच्छी लग रही अच्छी लग रही और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईदी चाहिए कि नहीं चाहिए ऑब्वियसली ईदी चाहिए ये हमारे कमाई होंगे तो खाली लिफाफा खाली लिफाफा मवाद है कितना लोड्स ऑफ मनी काफ़ी सारे काफ़ी है हाँ फिर अच्छा है फिर मैं निकाल लो नहीं क्योंकि यही तीन दिन तो कमाइयों के होते हैं हम बेचारे अनएम्प्लॉयड लोगों के आप लोगों को कमाइयों के होते हैं हमारी जो पॉकेट है एम्प्टी होने के दिन होते हैं तो कह रही हूँ हमारी हमारी जेब खाली है आप लोगों एम्प्लॉयमेंट के दिन होते हैं हमें पैसे मिलते हैं चले कोई नहीं इकट्ठे करो फिर मुझे दे देना सारे इकट्ठे करो आपसे पैसे आपको ऐसा उसका क्यों लगा रही हो चलिए अब दूसरी ईद जो है ना वो हम बिरयानी बनाते हैं आपके लिए ओह आई लव मेरी 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 ईद होगी मुझे और कुछ चाहिए नहीं बिरयानी बन रही है अच्छा फिर ये वापस कर नहीं मतलब ईद मुबारक और ईदी ईदी आपको ईदी में आपके मियाँ जी मिलते हैं वो तो माशाल्लाह से पिछले कई सालों से मिले हुए वो तो कैश कैश मैं खुद तो आपसे ले के बाकियों को दे रहा हूँ वो तो फिर मेरी तो जो है ना मेरा तो पर्स खाली हो रहा है ना मेरे पर्स भरने के लिए भी दीदी मियाँ जी मैंने छोड़ना नहीं है मुझे ईदी चाहिए ईदी हाथ करो कौन से वाला दाएं वाला दाएं वाला दाएं वाला सॉरी मेरी सॉरी थैंक यू नहीं नहीं लेना चाहिए ना मैं कैमरा बंद करूँ और आप ले लें नहीं नहीं वैसे मेरी जो है ना पक्की यही है लेकिन देखें ना महंगाई के हिसाब से आप तो जो है ना दो गड्डियाँ देनी चाहिए पहले भी यही होती है और अब भी यही है इसको आधा आधा करके दो नहीं नहीं पूरी पूरी दो नहीं भी देखे ना नहीं तो दस वाली भी दो गड्डी हो सकती है दो हर हर ईद पे ना एक एक गड्डी इजाफी होनी चाहिए आप जब से मैं आई हूँ एक ही गड्डी है तो अब मैं पहले तो चलो ठीक थी तब चूँकि वो जो है महंगाई ज़्यादा है तो मेरी गड्डी बड़ा है ना अच्छा ऐसा है ये वापस करो अच्छा चूँकि महंगाई बढ़ गई है आपकी बात भी मानता हूँ लेकिन फिर ऐसी गड्डी नहीं होगी फिर साथ में ऐसी गड्डी होगी चलो कोई बात कुछ ना होने से कुछ ना होने कुछ ना बेहतर अगले साल लेकिन अब तीन होनी चाहिए लेकिन ये वाली तीन होनी चाहिए वापस करें अभी से वापस ले रहे हैं मैं नहीं दे रही ओके ईद का सेकंड डे आप सबको मुबारक हो आज फर्स्ट डे ना मैंने लंच की और डिनर के नहीं बनाया था लंच में हमारी बिरयानी और कढ़ाई थी फिर शाम में ना मेरे छोटे मामू के घर जो है ना वो दावत थी और अब
तली हुई चीज़ें खा खा के ना, और चावल थक गए थे, तो हम जो है ना देसी माहौल को रिपीट किया। ये दौरी है, इसमें हमने सारा डाला, ये सैलेड और ये रोटी, और ये मेरे मियाँ जी आज इन्होंने चेंज भी नहीं किया क्योंकि अभी इन्होंने ड्यूटी पे जाना है, और हम ये खा रहे हैं खाना, दोपहर का जो है ना हम खाना खा रहे हैं। और मेरी भाई की जो है ना शादी करीब है, तो मेरी अम्मा ढोलक सीख रही है, हाँ मुझे किसी को भी नहीं आती, अम्मा बिल्कुल भी नहीं आ रही। आज ईद का तीसरा दिन है, जो है ना मेरे भाई भाभी और अमीनी ने इधर हमारे साथ ईद की है। तो पहले दिन जो है इन्होंने बिरयानी, भाई ने बिरयानी हमें खिलाई मेरे बच्चों की फरमाइश पे, बेटी की फरमाइश पे, और कल हमने दाल पकाई जो कि मैंने खुद पकाई क्योंकि भाई घर पे नहीं थे, और आज फिर जो फरमाइश है मेरे बेटे की हांडी बन रही है, तो इंशाल्लाह हम वेट कर रहे हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, भूख बहुत जोर की लगी हुई है, जब भी आते हैं ना हम इसे किचन में घुसा देते हैं। मेरे छोटे भाई जो है ना अपनी फैमिली के साथ, वो भी शादी के लिए आए हुए हैं, और ये है मेरा भतीजा, और ये मेरी बेटी के साथ क्रिकेट खेल रहा है, ये बहुत ज़्यादा छोटा सा है अभी 2 साल का है, बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा बैठे उधर, ये बाल किधर जा रही क्यारियों में, आज मौसम तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं अक्सर जब बारिश हो रही होती है तो मैं कहती हूँ कि जो है ना बाद लोग कहते हैं कि मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब नहीं होता, मौसम अच्छा होता है। ऐसा अच्छा मौसम, मेरे चूंकि भाई की शादी है और हमारी शादी है गांव में, और मुसलसल 8 दिन की जो है ना बारिश बनी हुई है, और गाँव में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पर एक तो हमारा सेटअप है नहीं, मेरी अपनी फैमिली 15 साल के बाद उस घर में जा रही है, तो हमें ज़रा थोड़ी सी टेंशन भी है कि गेस्ट भी होंगे और शादी का क्या होगा, हमारा गांव की शादी है, कच्ची गलियां, कच्चा घर, चलें देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है।